हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, कई बार बचपन में ज्यादा खेलने की वजह से अक्सर आपके घुटनों पर चोट जरूर लगी होगी और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहे किसी भी एंगल में गिरे चोट घुटनों पर ही लगती है और उन्हीं चोट की वजह से हमारे घुटनों पर काले काले निशान हो जाते हैं जो कि बड़े होकर काफी ज्यादा भद्दे दिखाई देते हैं। आइए जानते हैं कुछ आसान से नुस्खे जो आपके घुटनों के कालेपन को दूर कर सकते हैं। टिप नंबर 1 है नारियल का तेल। नारियल का तेल माइल्ड होता है और काफी ज्यादा ठंडा होता है। किसी भी प्रकार के दाग धब्बे को दूर करने के लिए आप नारियल के तेल का इस्तेमाल कर सकती हैं। नारियल के तेल से अपने घुटनों पर हल्के हल्के हाथों से मसाज करिए। आप चाहें तो अपनी कोहनियों पर या फिर अपने पैरों की एड़ियों पर भी इसे लगा सकती हैं। आपके शरीर के किसी भी अंग पर अगर ज्यादा कालापन है तो इससे आप मसाज करें, आपको आराम और फर्क दोनों महसूस होंगे। टिप नंबर 2 है नींबू। नींबू के अंदर ब्लीचिंग एजेंट काफी ज्यादा होते हैं, इसीलिए अगर आप चाहें तो आप नींबू के रस को भी अपने घुटनों पर लगाकर मसाज कर सकती हैं। टिप नंबर 3 है पिसे हुए बादाम का पेस्ट। आप बादाम को भिगोकर उसका पेस्ट बना सकती हैं या फिर बादाम के पाउडर के अंदर गुलाब जल मिलाकर वो पेस्ट तैयार कर सकती हैं। किसी भी पेस्ट को अपने घुटनों पर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद वॉश कर लीजिए। यह भी घुटनों के कालेपन को दूर करने के लिए एक अच्छा नुस्खा है। टिप नंबर 4 है प्यूमिक स्टोन। प्यूमिक स्टोन हमारी एड़ियों को स्क्रब करने के लिए और गंदगी को साफ करने के लिए काम में आता है। अगर आप चाहें तो आप नहाते समय प्यूमिक स्टोन से भी अपने घुटनों को रगड़ सकते हैं, लेकिन हल्के हाथों से। ऐसा करने से उसका कालापन दूर होता है। टिप नंबर 5 है हल्दी का पाउडर। हल्दी पाउडर का पेस्ट बनाकर आप चाहें तो इसका पेस्ट पानी, कच्चे दूध या फिर गुलाब जल में से किसी भी एक चीज के साथ बना सकते हैं। इसका पेस्ट बनाकर घुटनों पर लगाइए और सूखने के बाद वॉश कर लीजिए। हल्दी अपना कलर छोड़ेगी तो आपके घुटनों का कालापन धीरे धीरे हल्का होना शुरू हो जाएगा। सो दोस्तों, ये है आसान से घरेलू उपाय घुटनों के कालेपन को दूर करने के लिए। इन्हें जरूर आजमाइए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।